90% यहाँ के लोकल लोगों को मौका मिलना चाहिए, कि झारखंडियों को मौका मिलना चाहिए, झारखंड के लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ के लोग भी टैलेंटेड हैं, केपेबल है, और यहाँ पे हमेशा मतलब यहाँ के लोग पूर्व की सरकार के द्वारा हमेशा ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई गई कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। इसका कोई गारंटी नहीं है कि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद भी 27% आरक्षण OBC को मिलेगा, तो इसका गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम कास्ट सेंसस, OBC सेंसस होना चाहिए, ताकि कोर्ट में भी अगर हम जाएं तो ये दिखा सके कि यहाँ पे OBC की जनसंख्या कितना है और कितने सालों से OBC पीछे मतलब हमेशा शोषित रही है, वंचित रही है सारे अधिकारों। इस तरह का वर्चस्व को लेकर प्रिंस खान का वीडियो जारी हुआ। देखिए, मुझे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैं तो व्यस्त अपने क्षेत्र में और विधानसभा में हूँ, तो उधर क्या हुआ है अभी बातचीत नहीं हुआ है, मैं पता करके फिर आपको बताती हूँ। देखिए, ये 60-40 कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई दस्तावेज मेरे पास आई नहीं है, और अब अगर सरकार के तरफ से अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो मेरे जब तक मेरे संज्ञान में ये नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ तो है, आज शून्यकाल के माध्यम से भी देखिए हमने आज ये मांगा है कि कम से कम उन 90% यहाँ के लोकल लोगों को मौका मिलना चाहिए, झारखंड के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के युवाओं के अनुरूप, युवाओं का भावनाओं को देखते हुए, और वैसे भी झारखंड में हमेशा युवाओं को 4-5 साल से जो जितना झेलना पड़ा है, जितना यातनाएं झेलनी पड़ी है, उनके माता पिता इतना पढ़ा लिखा के उनको मेहनत करके इतना खर्च करके वो भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और जब आखिरी समय आता है, जब कुछ बनने का समय आता है, जब वो कोई किसी कंपटीशन का तैयारी करके वो एग्ज़ाम दे देते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है। तो हम लोग, राज्य का विकास इस तरह से तो कभी नहीं हो पाएगा, राज्य रुक जाएगा, उसका विकास का गति रुक जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार इसमें गंभीर है, और अभी नियोजन नीति हमें जो सूचना है कि बहुत जल्दी नियोजन नीति सबके बीच में लाया जाएगा, और युवाओं के भावनाओं के अनुरूप ही लाने का कोशिश किया जा रहा है, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है। और ये जो परसेंटेज का बात है, तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कितना परसेंटेज झारखंड के युवाओं को मौका मिलने वाला है, तो इसी वजह से आज मैं अपने प्रश्न के माध्यम से 90% यहाँ के युवाओं, झारखंड के युवाओं को मौका मिले, उसके लिए मेरा अनुरोध विधानसभा में था। देखिए, इसका कोई पुष्टि अगर होता है तो हम लोग बिल्कुल गंभीरता से लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील है, और निश्चित तौर पे हम लोग हैं, हम लोग तो बोल ही रहे हैं, और सरकार भी कोशिश कर रही है, हमेशा आप उनके बयानों में भी सुनते होंगे कि झारखंडियों को मौका मिलना चाहिए, झारखंड के लोगों को मौका मिलना चाहिए, यहाँ के लोग भी टैलेंटेड हैं, केपेबल है, और यहाँ पे हमेशा मतलब यहाँ के लोग पूर्व की सरकार के द्वारा हमेशा ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई गई कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। तो हमारा यही आग्रह है आपके माध्यम से भी सरकार से, और आज भी हमने विधानसभा में ये बात को रखा है कि 90% यहाँ झारखंड के लोगों को मौका मिलना चाहिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपना। देखिए, अभी उस दिन का संशोधन का बात हो रहा है, लेकिन अभी श्योर तभी होंगे जब उस दिन संशोधन आ जाएगा। हमने कास्ट सेंसस, OBC सेंसस का बात रखा है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो OBC आरक्षण को भेजा गया है 27% करने के लिए, तो एकमात्र तमिलनाडु है जो मतलब उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, वो भी 90 दशक में। तो क्या ज़रूरी है, मतलब ये इसका कोई गारंटी नहीं है कि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद भी 27% आरक्षण OBC को मिलेगा, तो इसका गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम कास्ट सेंसस, OBC सेंसस होना चाहिए, ताकि कोर्ट में भी अगर हम जाएं तो ये दिखा सके कि यहाँ पे OBC की जनसंख्या कितना है और कितने सालों से OBC पीछे मतलब हमेशा शोषित रही है, वंचित रही है सारे अधिकारों से, और अभी जो मात्र 14% आरक्षण है वो भी सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, कहीं पर भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 0% OBC को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे इस पे बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ी जनसंख्या का ये समस्या है, तो इस पे बिल्कुल विचार करना चाहिए। तो आज हमने अपने सवाल के माध्यम से
ये जो तारंकिक प्रश्न है उसके माध्यम से हमने ये सवाल रखा है, और हालांकि इस पे हम लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है और ओबीसी का जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अभी 27% आरक्षण भी अगर 9वीं अनुसूची में भेजा जाता है तो इसका हम समझते हैं कि इसका गारंटी नहीं है कि आरक्षण लागू कर दिया जाएगा या 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा। और अगर हम कास्ट सेंसस कराते हैं, ओबीसी सेंसस कराते हैं या कास्ट सेंसस कराते हैं, दोनों में से कोई भी, तो कम से कम हमारे पास एक मजबूत आधार बनेगा कि क्यों ओबीसी आरक्षण 27% या उससे ज़्यादा या जनसंख्या के अनुपात में लागू करना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू में यही काम आएगा कास्ट सेंसस, ओबीसी सेंसस। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।